नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ हमेशा अपना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी चीज़ों से ही करता है। यदि आप खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया हुआ है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद दोबारा किडनी स्टोन क्यों हो जाता है। ये यदि आपका किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है तो हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं हुआ होगा दोबारा, लेकिन 30% लोगों को, हमारा जहाँ तक मानना है जिस हिसाब से हम पेशेंट को देख रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है फिर दोबारा स्टोन हो गया है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आप जिस जगह पे ऑपरेशन करवा रहे हैं, पहला काम जिस हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करा रहे हैं, जिस डॉक्टर से आप ऑपरेशन करा रहे हैं, वहाँ देख लीजिए कि वहाँ सही मायने में ऑपरेशन होता है कि नहीं, इसको पता कर लीजिए। इसलिए कि दूरबीन लोग बताएंगे कि दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं और चीर करके ऑपरेशन कर देंगे, चीरा करके लगा करके, तो इस चीज़ को पहले कन्फर्म कर लीजिए। अच्छा, डॉक्टर से ये बात कर लीजिए कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि यदि हम ऑपरेशन करवाते हैं जो छोटे स्टोन हैं या बड़े स्टोन हैं, हमारे ऑपरेशन में पूरा तो निकल जाएगा ना, ये पहले कंफर्म कर लीजिए। नहीं तो एक पेशेंट को देखने को मिला है कि 4 mm का स्टोन है या 16 mm का स्टोन है। तो ये 16, जब ऑपरेशन करवाता है पेशेंट तो 16 mm देख रहा है कि निकल गया है, टूट करके निकल गया है, और 4 mm 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराता है तो देखता है कि 4 mm उसमें है। तो या तो दोबारा हो गया होगा या तो छूट गया होगा। तो आप डॉक्टरों से ये सलाह जरूर लीजिए कि डॉक्टर साहब यदि हम आपके यहाँ ऑपरेशन कराते हैं तो छोटे जो स्टोन हैं वो भी निकलना चाहिए और बड़े हैं वो भी निकलना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम इसको कर लीजिए। अच्छा, जब आप ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद जो स्टोन आपका निकलता है किडनी से बाहर, तो उस स्टोन को डॉक्टर से सलाह लीजिए कि डॉक्टर साहब ये किस चीज़ का स्टोन है, तो डॉक्टर आपको लैब टेस्ट करा करके आपको बता देंगे। यदि उनको बताइए कि डॉक्टर साहब हमारा लैब टेस्ट करवा दीजिए स्टोन का, और ताकि आगे भविष्य में दोबारा स्टोन ना हो, तो डॉक्टर क्या करेंगे कि आपके स्टोन का लैब टेस्ट करवाएंगे और करवाने के बाद फिर वो आपको दवा प्रिस्क्राइब कर देंगे कि हाँ भाई इस दवा को आप लेंगे तो दोबारा स्टोन नहीं होगा। वो क्या करेंगे कि जिस चीज़ से स्टोन बना है उसको क्या करेंगे कि कम करने का प्रयास करेंगे। भाई दबे मान लिया जाए कि कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम से बना हुआ है, तो उस स्टोन में पता चल जाएगा कि किस चीज़ का स्टोन है, इसमें कौन कौन से सॉल्ट मिल के बने हैं, मिनरल मिल के बने हैं, तो डॉक्टर क्यों बॉडी से वो ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टर उस तरह का मेडिसिन देंगे कि ताकि वो बॉडी से ज़्यादा आए नहीं, यूरिन में ज़्यादा नहीं है, या बॉडी में है उसका मात्रा तो कम हो जाए। तो ये चीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट यहाँ कुछ नहीं करते हैं, बस बेड पे लेटेंगे, उनका ऑपरेशन होगा, पथरी निकल गया, वो पथरी कहाँ चला गया कोई पता नहीं, डॉक्टर का पेमेंट हुआ, घर आ जाएंगे, फिर 6 महीना साल भर बाद फिर दोबारा हो जाएगा, फिर दवा के लिए 2-3 साल डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटेंगे, फिर अंत में जाकर फिर ऑपरेशन कराएंगे। कई पेशेंट को तो मैंने देखा है कि 4-4 बार ऑपरेशन हो चुका है फिर भी स्टोन हो रहा है हो रहा है। तो इसके लिए आप लैब टेस्ट करवाइए, स्टोन का लैब टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। आप यदि नहीं करवाते हैं तो बार बार स्टोन होने की संभावना है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम लोग भी यदि पेशेंट का स्टोन निकाल भी देते हैं दवा से, तो स्टोन यदि एक बार हो जाता है तो बार बार होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि बार बार स्टोन हो रही है आपको, तो लगातार स्टोन निकलने के बाद भी दवा चलाएं ताकि दोबारा स्टोन ना हो। तो पेशेंट क्या करता है कि यदि स्टोन निकल जाता है फिर वो डॉक्टरों को भूल जाता है, डॉक्टर उसे भूल जाते हैं, फिर पेशेंट को ये लगता है कि अब तो हमें स्टोन होगा नहीं, हमारा तो काम हो चुका है, लेकिन दोबारा स्टोन हो जाता है। इसलिए दवा को स्टोन निकलने के बाद भी कंटिन्यू कीजिए, यदि ऐसा करते हैं तो आपका स्टोन दोबारा नहीं होगा। तो ऑपरेशन करवाए हैं तो लैब टेस्ट करवा लीजिए, या कहीं से दवा करवाए हैं और आपका स्टोन निकल गया तो कुछ दिन और दवा चलाइए डॉक्टरों की सलाह से कि ताकि दोबारा स्टोन ना हो। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनका किडनी स्टोन दोबारा हो गया, ताकि वो इस वीडियो को देखें
और देखने के बाद जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से वो कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो आते हैं किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है और मैं 2 वर्षों से किडनी स्टोन पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गॉल ब्लैडर स्टोन पर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम काफ़ी पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में और आज भी हम काम कर रहे हैं। अब विशेष करके हम गॉल ब्लैडर स्टोन पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे मैं जितना वीडियो दिया हूँ उसके बाहर कोई भी आपका प्रश्न नहीं होगा, इसलिए सभी वीडियो को जाकर के देखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।